रिफ्लेक्टेंस, एब्सॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस। देखो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो भी हमने किया। देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, पर बहुत सारा पार्ट इसके अंदर आएगा। इस चैप्टर के अंदर मेनली है क्या, ये भी बता देता हूँ आपको, इस चैप्टर में ना लॉज ज्यादा मिलेंगे। लॉज जैसे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ने क्या कहा, प्रीवोस्ट ने क्या कहा, स्टीफन ने क्या कहा, बोल्ट्समैन ने क्या कहा, या फिर वेन्स ने क्या कहा, बस इतना ही। लॉ ने क्या कहा, लॉ का प्रूफ हमने करना नहीं है। हैं प्रूफ बुक्स के अंदर भी, लेकिन आते नहीं कभी भी। तो बेसिकली लॉज के बारे में बता रखे इस चैप्टर में, चार पांच लॉज हैं, और उनको अप्लाई कैसे करना है, बस इतना एक्सपेक्ट किया जाता है स्टूडेंट से कि लॉज बताओ, उसकी एप्लीकेशन बताओ, बस इतना पता करना है। तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा। एक तो पहले तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, लॉ कहता क्या है, फिर अगले लेक्चर में क्या करेंगे इसके ऊपर एप्लीकेशन, लॉ का न्यूमेरिकल होगा कैसे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में हमने एक न्यूमेरिकल किया, उसमें एक आध न्यूमेरिकल किया, ज्यादा नहीं है, पर बाकियों में थोड़े ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसमें रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस के अंदर ये बताया हुआ है, ये चैप्टर रेडिएशन के अंदर चल रहा है, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में जब बॉडी ठंडी हो रही थी, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को बाहर फेंक रही थी। अब इसके अंदर क्या है कि मान लो मैंने किसी भी बॉडी को क्यू अमाउंट ऑफ हीट को दे दिया, मैंने किसी बॉडी को कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ हीट को दिया, अब वो बॉडी हीट का करेगी क्या, पहला रख लेगी, दूसरा कुछ पार्ट रखेगी और कुछ पार्ट उसकी सरफेस पे टक्कर खाते रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, रखेगी नहीं। जैसे कोई शाइनी बॉडी है, शीशा रख दिया, मिरर रख दिया, अब मिरर में क्या प्रॉब्लम है, मिरर के ऊपर लाइट आती है, रेडिएशन आती है, टकराती है, टकरा के चली जाएंगी, लेकिन मिरर कुछ तो गर्म होगा, तो एब्जॉर्ब कम कर रही है और रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रही है, यानी नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे एक डल ब्लैक बॉडी है, बिल्कुल डल ब्लैक बॉडी, डल ब्लैक बॉडी कैसी होती है, वो एब्जॉर्ब ज्यादा करती है लेकिन रिफ्लेक्ट कम करेगी, डल है ना, रिफ्लेक्ट कहां से करेगी। तो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर बॉडी की, बॉडी करेगी क्या। तो मान लो हमने क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी बॉडी के ऊपर इंसिडेंट करवा दी, वो अपनी एनर्जी को तीन किस्म से डिवाइड करेगी, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी वो रिफ्लेक्ट कर देगी, रखेगी नहीं, चमकेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बात खत्म। नेक्स्ट है ए अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, अपने पास रख लेगी, बॉडी गर्म हो जाएगी, और तीसरा टी अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसमिट कर देगी। एक तो रख ली, एक है उसका कुछ पार्ट आगे रेडिएशन की फॉर्म में, इट्स अ हॉट बॉडी ना, और एनी हॉट बॉडी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो हीट को क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी, सेक देगी, और वो कितना है, वो टी है। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि रिफ्लेक्टेड एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी और ट्रांसमिट एनर्जी का सम क्या होगा, क्यू रहेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन में लगा दी इसमें। अगर मैं टोटल हीट एनर्जी से डिवाइड कर दूं दोनों साइड्स को, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, वन, ये क्या हो जाएगा, टी बाई क्यू, ए बाई क्यू और आर बाई क्यू। तो ये क्या चीज है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड। तो इस फ्रैक्शन को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल ए से, इसको स्मॉल टी से, इक्वल टू वन, तो आर ए टी रैट इज इक्वल टू वन। तो फ्रैक्शन ऑफ ऑल एनर्जीज इक्वल टू क्या है, वन। तो क्या है पहला पॉइंट क्लियर, एनर्जी कंजर्वेशन। दूसरा, इस फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड का नाम है रिफ्लेक्टेंस, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब का नाम है एब्जॉर्बेंस, और फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड का नाम है ट्रांसमिटेंस। तो इन तीनों फ्रैक्शन का सम क्या होगा, वन, नाम है इनका। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक। तो फिर डिफाइन किया हुआ है व्हाट इज रिफ्लेक्टेंस, डेफिनेशन तो क्या ही करनी है, पता लग ही गया। रिफ्लेक्टेंस इज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके ऊपर जो हमने इंसिडेंट करवाई, तो इस फ्रैक्शन को रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। एब्जॉर्बेंस क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्बेंस है, या फिर यहां लिख लो और एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर एक ही बात है, लिख लो एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्प्टिव पावर एक ही बात है, ठीक है, एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्प्टिव पावर एक ही बात है। तो क्या चीज है, फ्रैक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब। उसी तरीके से नेक्स्ट है ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेड का मतलब, ट्रांसमिटेंस का मतलब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्टेंस का, एब्जॉर्बेंस का और ट्रांसमिटेंस का। ये तीनों चीजें डिपेंड करती हैं दो चीजों पे, कि कोई बॉडी ऐसी है जो रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है, एब्जॉर्ब कम करती है,
कोई ऐसी है जो रिफ्लेक्ट कम करती है पर एब्जॉर्ब ज्यादा करती है, कोई ऐसी है जो ट्रांसमिट ज्यादा करती है, सेक ज्यादा मारती है, रिफ्लेक्ट कम करती है। अब नेचर टू नेचर है। अब ये दुनिया में कितने लाखों करोड़ों बॉडीज हैं, हर की नेचर डिफरेंट है, वो क्या करेगी? तो किस पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस पे, कि कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, ट्रांसमिट करेगी, बॉडी की नेचर पे डिपेंड करती है। दूसरा, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। अब वेवलेंथ से क्या मतलब है? वेवलेंथ से मतलब है कि आपने एक ऐसी लाइट को, ऐसी रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया, एक बॉडी को ऐसी एनर्जी दी, इसका लैम्डा कमजोर था, एक ऐसी एनर्जी दी, इसका लैम्डा, तुमने रेडिएशन देनी भी तो है ना, तुम उसको एनर्जी दोगे और फिर वो बाहर फेंकेगी, तुम एक बार तो दोगे। अब तुम्हारी जो एनर्जी होगी रेडिएशन जो तुम दोगे, वो एनर्जी वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है। किसी की वेवलेंथ ज्यादा है, किसी की वेवलेंथ कम है, तो कोई एनर्जी ज्यादा दे रहे हो, कोई एनर्जी कम दे रहे हो। अब तुम दे ही अगर कम रहे हो तो आरएटी तो कम ही निकलेगा ना भाई, तुम दे ही नहीं रहे अगर तो फिर निकलेगा कहां से? जीरो। तो यानी कि आपने कितना दिया उस पर डिपेंड करता है, यानी कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी वेवलेंथ को बाहर निकालेगी और कौन सी वेवलेंथ आपने दी। तो मेन बात है इसमें कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या है, इसके ऊपर भी ये चीज डिपेंड करती है। इसलिए आरएटी के पैर में क्या डाल दिया? लैम्डा, लैम्डा एंड लैम्डा। लैम्डा क्यों? क्या पता तुम एक्सरेज के साथ काम कर रहे हो, उसका लैम्डा लेना पड़ेगा, उसका एक्सपेरिमेंट अलग है। एक्सरेज अगर आपने किसी बॉडी पे घेरी, हो सकता है वो एक्सरे ज्यादा रिफ्लेक्ट करे, एब्जॉर्ब कम करे और ट्रांसमिट तो बिल्कुल ना करे, मैं कुछ कह नहीं सकता। तुमने अगर रेडियो वेव के साथ की, मुझे पता नहीं क्या होगा, आरएटी, तो रेडियो वेव का लैम्डा अलग है, एक्सरे का अलग है, तो इसलिए हम कह नहीं सकते। या आपने ब्लू कलर की लाइट यूज की, आपने रेड यूज की, आपने येलो यूज की, सबका लैम्डा डिफरेंट है, सबका आरएटी क्या हो जाएगा? डिफरेंट। तो रेड कलर के लिए हो सकता है कोई बॉडी रेड को ज्यादा एब्जॉर्ब करे, ग्रीन को ना करे, तो इसलिए पैर में क्या आएगा? लैम्डा। लैम्डा आने का मतलब है, आर लैम्डा का मतलब फ्रैक्शन एनर्जी रिफ्लेक्टेड है, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का सिंगल कलर, क्योंकि लैम्डा अगर फिक्स कर दिया तो कलर भी एक ही होगा लाइट का। मोनोक्रोमेटिक रिफ्लेक्टेंस, मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्बेंस एंड मोनोक्रोमेटिक ट्रांसमिटेंस। तो वैसे लैम्डा यूज करें ना करें, कोई मतलब लैम्डा पर डिपेंडेंट तो है ही है, पर टोटल फ्रैक्शन का सम वन है, ये बात समझ में आती है। ठीक, स्पेशल केस है। अगर मान लो एक ऐसी बॉडी है जो ट्रांसमिट ही नहीं करती, अब देखो ना, अगर मान लो R प्लस A प्लस T का सम 1 है, वो बॉडी ट्रांसमिट करती नहीं तो ये जीरो हो गया, तो R प्लस A का सम 1 है। तो सोचो ऐसी बॉडी जो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी वो एब्जॉर्ब क्या करेगी? कम करेगी, टोटल सम तो 1 ही आना है। तो जो ज्यादा रिफ्लेक्टर्स हैं, चमकते ज्यादा हैं, वो एब्जॉर्ब कम करेंगे, या जो एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे रिफ्लेक्ट कम करेंगे, एक चीज तो ज्यादा एक चीज तो कम होनी है। क्लियर है यहां तक? अब दूसरा केस है, अगर मान लो एक ऐसी बॉडी है R प्लस A प्लस T, इसका सम क्या है? 1 है। इमेजिन करो एक ऐसी बॉडी है जो रिफ्लेक्ट करती नहीं, डल है बिल्कुल, जो ट्रांसमिट करती नहीं, डल है बिल्कुल, मतलब ट्रांसमिट सेक भी नहीं मारती, तो वो क्या करती है? एब्जॉर्ब। तो उसका 100% एनर्जी वो क्या करती है? एब्जॉर्ब। मतलब उसको आपने एनर्जी दी, उसने ठीक है मैं रख लूंगी, रख ली, वापस नहीं करूंगी, ना रिफ्लेक्ट करूंगी ना ट्रांसमिट करूंगी, बस मेरे पास पड़ी है। आपने और एनर्जी दी, वो कहती ठीक है जी और रख ली मैंने, आपने और दी और रख ली, दुनिया की सारी एनर्जी दी वो तो तब भी रख ली नहीं। देखिए ऐसी बॉडी पॉसिबल नहीं है, बाहर तो निकलेगी ना बॉडी, गर्म तो होगी ना, गर्म होगी तो रेडिएशन तो निकलेंगी ना, तो इंफ्रारेड रेज भी निकलेंगी और बॉडी जो है वो रिफ्लेक्ट भी कुछ ना कुछ करेगी। तो ऐसी बॉडी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, पर किताबों में तो करती है ना, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसी आइडल बॉडी को जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ऐसी आइडल बॉडी को क्या नाम देते हैं? ब्लैक बॉडी या परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है जो कि 100% एनर्जी को क्या करती है? अपने पास एब्जॉर्ब करती है, 100% एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, ना रिफ्लेक्ट करती है ना ट्रांसमिट करती है। तो अगर आप ये कहो कि सर मेरे को दिखाओ ब्लैक बॉडी, मैं लेके आया हूं ब्लैक कपड़ा, देखो ये ब्लैक बॉडी है परफेक्टली, परफेक्टली ब्लैक बॉडी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ फिजिक्स में करती है, किताबों में करती है, मतलब ये ब्लैक बॉडीज की क्वीन है आप लगा लो, जो एग्जिस्ट नहीं करती, बस मतलब जबरदस्त एब्जॉर्प्टिव पावर है इसकी, ठीक है। लेकिन बाकी ब्लैक बॉडीज देखो एब्जॉर्ब भी करती हैं, सेक भी मारेंगी, तो ट्रांसमिट तो करेंगी करेंगी, टी तो होगा होगा कुछ ना कुछ। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या चीज है? हाइपोथेटिकल है। नेक्स्ट देखते हैं,